चले प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैम चक्रवर्ती जी के जिस की श्रृंखला में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत कर रहा हूँ। आज हम लोग बहुत ही एक महत्वपूर्ण और अति आवश्यक टॉपिक लेकर आप लोग के सामने हैं, जिसका नाम है संसद, भारतीय संसद। ठीक है जी। हाँ बच्चों, इससे प्रत्येक भारतीय जो भी परीक्षा होते हैं सभी में आप समझिए कि एक प्रश्न इसका जरूर आता है। आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में संसद से आपको कहीं ना कहीं प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से देखना है ताकि जो भी हम आज 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव लिए हैं संसद से वो आपका छूट नहीं पाए। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट हम लोग को क्या है, संसद का गठन और संरचना किस अनुच्छेद में है। तो संसद का गठन और संरचना जो पूछेगा कौन सा अनुच्छेद है, तो 79 जो कहता है संसद के गठन और संरचना के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, यह संसद के तीन अंग को बताता है। ध्यान दीजिएगा, 79 में तीन अंग कहा गया है कि संसद के तीन अंग होते हैं। यह संसद तीन से मिलकर बना होता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ध्यान दीजिएगा, कहेगा कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, तीन अंग होते हैं। संसद के कितने अंग, तीन अंग, पहला राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। इसका भी चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो 79 में। और राष्ट्रपति का चर्चा अनुच्छेद 52 में, याद रखेंगे अनुच्छेद कितना में, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका चर्चा अनुच्छेद 52 में है, आप लोग जानते होंगे। और 79 में ध्यान दीजिएगा कि संसद के गठन और संरचना या संसद का तीन अंग, और 79 के बाद क्या होता है, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा, तीनों लगातार है। ध्यान दीजिएगा, 79 में संसद के तीन अंग या संसद के गठन या संसद का संरचना, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा, और 52 में क्या है, राष्ट्रपति। संसद के अंग पूछेगा तो आप याद कर लीजिए तीन अंग, संसद का अंग पूछेगा तो कितना बोलेंगे, तीन। और सदन बोलेगा संसद के कितने सदन, तो दो सदन, वो कौन है सर, दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। सदन बोलेगा तो ध्यान दीजिएगा, सदन, सदन के गो दो गो, लोकसभा और राज्यसभा। इसको आप बेहतर तरीके से या कहिएगा कि संसद कितने से मिलकर बना होता है, तो तीन, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। राष्ट्रपति का चर्चा अनुच्छेद 52 में, राज्यसभा का 80 में और लोकसभा का 81 में। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में, अभी हम आपको बताएं कि राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में है, 81 में। अनुच्छेद कितना में, 81 में। राज्यसभा को देखेंगे और किन किन नामों से जानते हैं, तो द्वितीय सदन, उच्च सदन, अस्थाई सदन। राज्यसभा को द्वितीय सदन के नाम से, उच्च सदन के नाम से, अस्थाई सदन के नाम से भी जाना जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, अस्थाई सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा अगला, राज्यसभा में मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं, 250 सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होंगे, 250, और इसका चर्चा 80 का एक में है। कहेगा राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, यह चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 80 के फर्स्ट में, अनुच्छेद 80 का फर्स्ट में। और इसमें से 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछेगा कि राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं, तो 12 सदस्यों का। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं, और यह प्रक्रिया आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करेंगे, जिसकी प्रक्रिया पूछेगा किस देश के संविधान से, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला में, लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद में है, तो लोकसभा का गठन अनुच्छेद कितना में है, 81 में। हमारे यहाँ जो लोकसभा का गठन होता है अनुच्छेद किसके द्वारा होता है, तो 81 के द्वारा। अब देखेंगे लोकसभा को किन किन नामों से जानते हैं, प्रथम सदन, तो याद करना आसान है। राज्यसभा को देखेंगे द्वितीय सदन, तो इसको कहेंगे प्रथम सदन। राज्यसभा को उच्च सदन, तो लोकसभा को क्या कहेंगे, निम्न सदन। राज्यसभा को अस्थायी सदन, तो लोकसभा को क्या कहेंगे, अस्थायी। मतलब एक याद रखते हैं तो दूसरा आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो लोकसभा को क्या कहेंगे, प्रथम सदन कहेंगे, निम्न सदन कहेंगे, और अस्थाई सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अस्थाई सदन कहा जाता है। अब ध्यान देना है कि मूल संविधान में लोकसभा सदस्य की संख्या कितना निश्चित किया गया था, तो 500। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अभी आपके सामने बिहार पुलिस है, एमटीएस का एग्जाम हो रहा है, और एमटीएस का फिर से फॉर्म, नया वैकेंसी आ गया है, और जिसका फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है, बिहार दरोगा आने वाला है। ठीक है, तो आपके सामने
सामने बहुत सारे मौके हैं और सभी मौकों में ध्यान दीजिएगा जीके जैसे एक अहम रोल अदा करता है। और संसद से आप देखेंगे एसएमटीएस में भी आप देख लीजिए मैक्सिमम जो भी सीट हुआ चरण बाई चरण एग्जाम जो ऑनलाइन ले रहा है कहीं ना कहीं एक सवाल आपको संसद से जरूर देखने को मिला। तो बच्चों ये टॉपिक शानदार है, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। मैं उम्मीद करूँगा आप सभी बच्चे से लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक है ना, ताकि आपका सवाल पूछे तो छूटे नहीं पाए। तो चलिए आगे क्या बोला है, लोकसभा को क्या कहेंगे, प्रथम सदन, निम्न सदन और अस्थायी सदन कहा जाता है। अब मूल संविधान में लोकसभा सदस्य का संख्या कितना निश्चित किया गया था, तो 500। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा इसमें दो बार परिवर्तन हुआ, दो बार क्या हुआ परिवर्तन, लोकसभा के सदस्य का संख्या 500 निश्चित किया गया था, लेकिन सातवां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा 25 सीट बढ़ाकर किया गया 525, कितना किया गया 525 सीट किया गया। अगला 31वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा 545 जो कि अभी वर्तमान में भी है 545। ध्यान दीजिएगा कि सातवां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा कितना 525 और 31वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा कितना किया गया 545। और अभी वर्तमान में पूछेगा कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो आप कितना बोलेंगे 552। अधिकतम कितना हो सकता है 552, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपसे पूछेगा कितना है, तो 545। फिर से ध्यान दीजिएगा लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 552 हो सकते हैं और वर्तमान में कितना है 545। हालांकि ध्यान दीजिएगा दो सदस्य मनोनयन होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, दो सदन क्या होते हैं मनोनयन, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में आपको मनोनयन की प्रक्रिया को हटा दिया गया है कि दो सदस्यों का मनोनयन जो राष्ट्रपति करेंगे वो हटा दिया गया, इसलिए क्योंकि 543 सदस्य जो चुने जाते हैं, ध्यान दीजिएगा 545 है, 543 चुना कर आता है, दो को मनोनीत होता है, तो उसमें लिख दिया गया है कि राष्ट्रपति तभी दो सदस्यों का मनोनयन करेंगे जब 543 में से कोई भी एंग्लो इंडियन चुना कर नहीं आता है, अगर चुना कर नहीं आएगा तब उस कंडीशन में राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे अन्यथा नहीं। तो 543 निर्वाचित होंगे, 543 का हो गया निर्वाचित। आपसे क्वेश्चन देखेंगे कई बार एग्जाम में गड़बड़ा सकता है, अधिकतम बोलेगा तो 552 तक जा सकता है, वर्तमान में 545 है, लेकिन निर्वाचित के गो होगा 543 गो, क्योंकि दो गो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, दो गो राष्ट्रपति मनोनीत डायरेक्ट जो चुनाव लड़ेंगे 543 व्यक्ति, 543 व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा में। ये देखेंगे सातवां संशोधन और 31वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ाने से, लोकसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ाने से। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति, वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति एससी के लिए कितना सीट आरक्षित किया गया है, वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति एससी के लिए कितना सीट रिजर्व किया गया है, तो 84 सीट, कितना सीट 84 सीट, एससी के लिए 84 सीट रिजर्व किया गया है। और लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए जिसको एसटी कहते हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए कितना सीट आरक्षित किया गया, तो 47, तो एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47 सीट आरक्षित किया गया, यह ध्यान में रखेंगे। किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का स्थापना किया गया था, किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का स्थापना किया गया था, 1935 के भारत शासन अधिनियम, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा केंद्र में क्या लाया था, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका लाया गया था। तो चलिए बच्चों अगला देखते हैं, 11 नंबर सवाल आज का, लोकसभा में राज्यों के लिए स्थानों का आवंटन या बंटवारा, लोकसभा में राज्यों के लिए स्थानों का या सीटों का आवंटन या बंटवारा किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया जाता है, तो 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा, अभी तक 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाता है, किस साल के, तो 1971 में जो भारत का जनगणना होगा उसी के आधार पर राज्यों से लोकसभा में सीटों का आवंटन है प्रत्येक राज्य, जैसे लोकसभा में बिहार से पूछेगा कितने सीट, तो 40 सीट, और सबसे अधिक आपको चुना जाता है जाकर उत्तर प्रदेश से 80 सीट। लोकसभा सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होगा, तो प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर, लोकसभा सदस्यों का चुनाव किस आधार पर होगा, प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार, कहने का मतलब वही है कि जिसका उम्र 18 से ऊपर हो गया है, 18 या 18 से ऊपर, इलेक्शन सूची में आपका नाम है और आप वोटिंग कर सकते हैं।
कि संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। किस संशोधन द्वारा कह रहा है कि मतदान का जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 21 से घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष। अभी हम लोग सभी 18 वर्ष के जब हो जाते हैं तो वोटिंग करने लगते हैं। संसद सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निश्चय, संसद सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निश्चय करने से पूर्व राष्ट्रपति किसकी राय लेता है, संसद सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निश्चय करने से पूर्व राष्ट्रपति किसकी राय लेगा, तो चुनाव आयोग का लेगा। इसका चर्चा अनुच्छेद 103 में है। कोई भी संसद सदस्य का अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निश्चय राष्ट्रपति करेंगे, कौन करेंगे, राष्ट्रपति, लेकिन वो किसका राय लेंगे, तो चुनाव आयोग का लेंगे। किसका राय लेंगे, चुनाव आयोग का। यह चर्चा कौन से आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 103 में। अनुच्छेद 103 में कोई संसद सदस्य दल विरोधी अधिनियम के तहत अयोग्य है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता, कोई संसद सदस्य दल बदल विरोधी अधिनियम के तहत अयोग्य है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे या राज्यसभा का सभापति। और जो राज्यसभा का सभापति होता वही होता भारत का राष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष करेंगे या राज्यसभा का सभापति करेंगे। बच्चों चलिए आगे देखते हैं। कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए कितने वर्ष की सजा पाने पर संसद का सदस्य चुने जाने से योग्य हो जाता, कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए कितने वर्ष की सजा पा जाता है ना, उसको सजा मिल जाता है, तो जो संसद सदस्य के लिए अयोग्य हो जाएंगे, मतलब चुनाव वो नहीं लड़ सकते हैं। अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे, अगर मान लीजिए कोई पहले से पद पर हैं, तो उनको पद से इस्तीफा भी देना पड़ेगा। दो कंडीशन, अगर कोई व्यक्ति को दो या दो से अधिक साल का सजा मिलेगा तो वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं, और दो से अधिक साल का अगर आपको सजा मिल गया है तो आप पद पर हैं तो आपको पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा दो वर्ष से अधिक अगर किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में आपको सजा मिलता है तो। लोकसभा का विघटन कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। लोकसभा का विघटन कौन करेंगे, राष्ट्रपति। पूछेगा किसके परामर्श पर, तो राष्ट्र प्रधानमंत्री के परामर्श पर। लोकसभा का विघटन कौन करेंगे, राष्ट्रपति। किसके परामर्श पर, तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर करेंगे। आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, अगर जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, इमरजेंसी लगेगा, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है ना, तो लोकसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। कितने के लिए, एक बार में एक वर्ष के लिए आपको बढ़ाया जा सकता है। तो बच्चों संसद से हम लोग लगभग 18 प्रश्नों को आज देखे हैं। कल फिर संसद के सेकंड पार्ट में हम लोग मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा जिनका भी बिहार पुलिस है, ठीक है, आगामी या जो भी एग्जाम का को एमटीएस है या बिहार दरोगा आने वाला है, सभी बच्चों के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आप इसे लास्ट तक देखें और अपने मित्रों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बस आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।